हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडअप क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि आप तक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके, जिस चीज़ के लिए आप इतने परेशान हैं। क्योंकि डेली आपके जो है हज़ारों कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि नेवी एमआर का रिजल्ट कब आ रहा है, तो नेवी डबल ए का रिजल्ट कब आ रहा है, तो नेवी एसएसआर का जो है रिजल्ट कब आ रहा है। मतलब आप लोगों ने पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। जबकि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक क्लियर डेट बता देता हूँ, अगर उस डेट तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए सर रिजल्ट नहीं आया, अब क्या किया जाए, फिर उसके बाद जो है कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। लेकिन आप लोग दो दिन भी शांति से नहीं रह सकते हैं, डेली कमेंट आएगा डेली कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। यहां तक अभी कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे, सर आप एक ही टॉपिक पे डेली वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो भाई, मौका आप लोग दे रहे हो बनाने का, तब तो कोई बना रहा है। कोई इंसान सिर्फ व्यूज के लिए तो काम नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि कुछ जो है मकसद होता है कि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई जाए, या अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो सही चीज़ अगर बताई जा रही है तो उस चीज़ को फॉलो अप कीजिए। आप लोग डेली कमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिए। इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूँ क्यों आप लोग डेली कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो जितनी भी फालतू वीडियोज़ आ रही हैं, मैं डेली देखता हूँ। कोई जो है वीडियो डालेगा कि ये देखिए लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए अपने रिजल्ट का, कोई डालेगा कि ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया रिजल्ट का कब आएगा, तो ऐसी वीडियोज आप लोग मत देखिए, फिर ऐसा सवाल आपके दिमाग में पैदा ही नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपको एक क्लियर डेट बता देता हूँ कि किस डेट में आपका रिजल्ट आएगा। अगर उस डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब उसके बाद आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि सर रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ तक नेवी एमआर के नया बैच चालू हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा है। अगर कोई देख भी रहा है तो जाके जो है 100 कमेंट कर रहा है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो इस चीज़ को भूल जाइए आप लोग, कम से कम 2 से 3 दिन शांति से बैठिए। और ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर 12 से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो उसके बाद आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि सर रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करना चाहिए। ओके, और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि अभी कई लोग ये पूछेंगे कि सर जो नेवी एमआर का नया बैच चल रहा है उसे ज्वाइन कैसे करें। तो ज्वाइन करने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टैंडअप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं रहेगा, तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा नए वीडियो का, ठीक है? तो आप लोग कम से कम 12 से 13 अक्टूबर तक इंतज़ार कीजिए। अगर तब तक रिजल्ट नहीं आता है, तब उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब कोई सॉल्यूशन जो है आपका फाइंड आउट किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दूसरा वीडियो यूट्यूब पे मत देखिए, आप लोग बिल्कुल देखिए, लेकिन ऐसे चैनल का देखिए जिस पे आपको भरोसा है, ठीक है? मतलब जो बड़े चैनल्स हैं, ऐसे चैनल्स की वीडियोज आप लोग देखिए। अभी एक नया चैनल आज आया, कल आया, परसों आया, वीडियो डाल दिया कि ये देखिए लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, तो यही सब चीज़ें आप लोग देखेंगे और फिर जो है फालतू के कमेंट करेंगे। सो प्लीज़, अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो 1-2 दिन और जो है शांति से रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। और मैं आपसे पहले ही कहा था कि फिजिकल की भी तैयारी इसी में जारी रखिए, क्योंकि आपको समय मिलने वाला है नहीं, 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है फिजिकल में, ठीक है? तो अगर कट ऑफ की बात करें, काफ़ी लोग जो है कट ऑफ को लेकर के भी कमेंट करते हैं, तो कट ऑफ का वीडियो जो है चैनल के अंदर है, जाकर के आप वीडियो सेक्शन में कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं कि किस राज्य का कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है? चाहे नेवी एसएसआर हो, डबल ए हो, चाहे एमआर हो। सो कैसा लगा आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट जज मत कीजिएगा, ठीक है? वीडियो को जज करके कमेंट कोई भी मत कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और डेली क्लासेस लेना आप नए बैच का बिल्कुल मत भूलिएगा नेवी एमआर के लिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।